तो नमस्कार दोस्तों, काफ़ी इंटरेस्टिंग दिन रहा कल। और किस तरह से प्राइस सेटअप बैठता है और क्या ट्रेड सेटअप कह रहा है, ये सब अपन समझने की कोशिश करेंगे। इससे पहले अगर आप वीडियो देख रहे हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। तो स्टार्टिंग देखिए, 19,750 से हम हुए और लगा कि अब संभलेगा मार्केट, एक बार ऊपर भी गए और उसके बाद देखिए यहाँ पर धड़ाम से फिर नीचे आए और डब्लू पैटर्न बना के फिर ऊपर आए। लेकिन ये जो ऊपर आए ये सस्टेन नहीं कर पाया और फिर यहाँ से बेयर्स जिस तरह से पूरा हावी हो जाना, सेलर्स पूरा हावी हो गए और मार्केट 19,676 पे बंद हुआ। तो आगे क्या करना है, अगले हफ्ते क्या रणनीति बनानी चाहिए, ये सब समझने की कोशिश करते हैं। इससे पहले आप वन डे का चार्ट देखिए किस तरह से मार्केट अब रिएक्ट कर रहा है। डे बाय डे अब गैप डाउन ओपन हो रहे हैं हम, जिस तरह से गैप अप ओपनिंग हो रहे थे डेली, उसी तरह से आप गैप डाउन ओपन हो रहे हैं। तो जैसा हुआ था जस्ट उसका अपोजिट हो रहा है। ये देखिए हम लोग गैप अप बढ़ रहे थे और फिर अब गैप डाउन हम लोग आ रहे हैं। तो डेली टाइम फ्रेम पे अगर देखा जाए तो एक पॉजिटिव चीज़ ये है कि यहाँ पे हम थोड़ा सा 19,674 पे संभले हैं। इसको संभलना बोला जाए या ना बोला जाए ये आप लाइक शेयर कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो यहाँ पे देखिए एक पॉजिटिव चीज़ क्या है, कितना बार हम यहाँ पे एक सपोर्ट का काम किए हैं। तो एक तो आज जिस तरह से मार्केट यहाँ पे क्लोजिंग हुआ है 19,678 पे, एक यहाँ हुआ, एक कैंडल आप देख रहे हैं, ये एक कैंडल यहाँ, दो, फिर देखिए यहाँ एक, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, दस। तो 10 ट्रेडिंग सेशंस में ये जो 19,676 है ये हम लोग ने यहाँ पे सपोर्ट लिए हैं। और तो इसको क्या माना जाए, क्या ये सपोर्ट ले लेगा, गिरावट यहाँ थम जाएगी या यहाँ से फिर जो है गिरावट और हावी होगी। और अगर गिरावट हावी होगी तो कहाँ तक होगी, 19,676 है यहाँ पे। अब अगला जो कैंडल है आप देखिए, ये रेड कैंडल जो है 19,526 का है। अगर ये कैंडल को तोड़ता है तो फिर हम 19,400 भी देखने को हमें मिल सकता है, जहाँ से शुरुआत हम लोग किए थे बढ़ने का, जो गैप अप का जो दौर था, गैप अप वो दौर यहाँ से चालू हुआ था। तो 19,400 लेवल तक तो लग रहा है कि मार्केट नीचे की ओर जा सकती है और अपर की ओर अगर यहाँ सपोर्ट ले लेता है तो फिर हम 19,700-19,800 का लेवल भी देख सकते हैं। तो ये हुआ निफ्टी का वीकली डेली टाइम फ्रेम पे। अब वीकली टाइम फ्रेम पे क्या बता रहा है, आइए समझने की कोशिश करते हैं। तो वीकली टाइम फ्रेम का हम चार्ट ले लेते हैं। हाँ, वीकली टाइम फ्रेम पे देखिए बड़ा सा रेड कैंडल बना हुआ है, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। बहुत स्लो है नेट, इसको चलिए यहीं से समझते हैं। ये देखिए वीकली टाइम फ्रेम पे एक बड़ा सा रेड कैंडल बना है। तो ये बड़ा रेड कैंडल बनने का मतलब क्या है, इसको बोलते हैं बेयरिश इंगल्फिंग कैंडल। अब बेयरिश इंगल्फिंग क्यों, क्योंकि जो बियर से पूरा हावी हो गया, बियर जो भी, अब ये देखिए गैप अप हुआ था हम लोग तीन वीक में, एक, दो, तीन, और ये बड़ा सा एक ही कैंडल बन गया है बेयरिश इंगल्फिंग कैंडल। इसलिए बोला जाता है जब सेलिंग आता है तो हेवी सेलिंग आता है, सेलिंग जब होगा तो जो गैप अप ओपनिंग हो रही थी ये वीकली टाइम फ्रेम पे आप देख रहे हैं बड़ा ये जो ग्रीन कैंडल तीन ठो बना हुआ था, अब एक ही कैंडल में ये दो कैंडल को खा गया है। तो काफ़ी नेगेटिव सेंटीमेंट है वीकली टाइम फ्रेम पे। अच्छा, वीकली टाइम फ्रेम पे कहाँ सपोर्ट हम लोग ले रहे हैं, अब देखिए एक सपोर्ट यहाँ पे लिए हैं, एक सपोर्ट यहाँ, एक सपोर्ट यहाँ, तो तीन वीक यहाँ पे रिसेंटली सपोर्ट लिए हैं। क्या इधर भी कहीं सपोर्ट है, इधर नहीं, इधर कहीं नहीं,
तो ये जो बियरिश इनगल्फिंग जो पैटर्न बना है, ये क्या तेजी, ये जो मंदी है और रहेगी? तो इसका जवाब है हाँ, रह सकती है। क्यों क्यों रह सकती है? अब देखिए, ये कैंडल दो बार सपोर्ट लिया है, दो वीक, एक वीक, दो वीक, तीन वीक, तीन वीक मान सकते हैं कि 19674 पे हम सपोर्ट लिए थे। तो अगला कैंडल क्या बनेगा? अगला कैंडल ये रहेगा 19448 का, अगले वीक का। अगर यहाँ से भी अगर हम लोग नहीं सस्टेन कर पाते हैं, तो अगला नेक्स्ट कैंडल होगा 19232 का। और 19232 का भी कैंडल हम लोग सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो अगला कैंडल होगा फिर 18674 का। तो काफ़ी नेगेटिव सेंटीमेंट अब बन चुका है मार्केट में। अच्छा, गैप अप का अगर ऊपर का बात करें, तो ऊपर कहाँ तक जा सकते हैं? ये 19000, ये जो बियरिश इनगल्फिंग कैंडल बना है, मान के चलते हैं कि कुछ अच्छा हो गया मार्केट में, तो ऊपर का जो चांस है बहुत कम लग रहा है। ये देखिए, ये जो बड़ा कैंडल है 20190, अब इस कैंडल को तोड़ पाना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पे ये हाई था अपना, ये जो हाई था, लाइफ टाइम हाई था 20220 का, जो ये दिख रहा है ये हाई था, अब इसको तोड़ पाना मुश्किल होगा। तो मार्केट में सेंटिमेंट बहुत ख़राब है, अब गिरावट का सिलसिला लग रहा है ऐसा कि और ज़्यादा होने वाली है। तो ऐसे में क्या रणनीति बनाना चाहिए, ये सब हम अगले नेक्स्ट वीडियो पे डिस्कस करेंगे, आज तो हम यही डिस्कस कर रहे हैं। अब हम बैंक निफ्टी को समझते हैं, बैंक निफ्टी कहाँ है। बैंक निफ्टी का भी चार्ट ले लेते हैं। बैंक निफ्टी भी वीकली टाइम फ्रेम पे देखिए बियरिश इनगल्फिंग पैटर्न बनाया है। यहाँ पर भी ये देखिए, ये बड़ा सा गैप अप हम लोग जितना तीन वीक, जो गैप अप हम दो वीक में पूरा किए थे, वो एक कैंडल ने ही पूरा कर दिया है। तो आप समझ सकते हैं किस तरह से गिरावट हो रही है। तो दो वीक में हम लोग इतना बढ़े थे, 44,36,332 जो इसका लाइफ टाइम हाई है। अब एक ही कैंडल ने इसको दो वीक के गैप को ख़त्म कर दिया है। तो अगला कैंडल कहाँ होगा? अगला कैंडल ये दिख रहा है आपको 43,776 का। तो काफ़ी बड़ा जो है ये ग्रीन रेड कैंडल बना हुआ है। तो अगला जो कैंडल है 43,689 का है। अगर इसको भी तोड़ता है तो फिर अगला हम फिर देखेंगे 42,826, और अगर इसको भी तोड़ता है तो फिर 41,000। तो नेगेटिव सेंटिमेंट काफ़ी देखने को मिल रहा है। अच्छा, ये जो बड़ा कैंडल बना है, इसके बाद क्या चांसेस है ग्रीन कैंडल बनने का, इसको भी एक बार हम लोग देख लेते हैं। तो ये देखिए, जब ये बड़ा कैंडल बना है, एक रेड कैंडल बड़ा सा बिग बार, अब देखिए यहाँ पे एक बना था बिग बार, तो एक रेड कैंडल, एक ग्रीन कैंडल बना था, लेकिन ये पॉसिबिलिटी काफ़ी कम है। क्यों पॉसिबिलिटी कम है? क्योंकि ये लाइफ टाइम हाई पे हम लोग थे। अब लाइफ टाइम हाई के बाद क्या फिर से ग्रीन कैंडल बनेगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन जैसे बड़ा गिरावट के बाद एक ग्रीन कैंडल बनता है, एक देखने को मिल रहा है ऐसा। अब यहाँ भी देखिए, बड़ा एक इस कैंडल बना था रेड कैंडल, फिर ग्रीन कैंडल बना है। यहाँ भी देखिए, एक बड़ा रेड कैंडल बना था, फिर ग्रीन कैंडल बना है। तो जब एक बड़ा रेड कैंडल बनता है, तो पॉसिबिलिटी काफ़ी रहती है कि एक ग्रीन कैंडल बने। लेकिन यहाँ पे पॉसिबिलिटी कम इसलिए है क्योंकि हम लाइफ टाइम हाई पे हैं, और लाइफ टाइम हाई को फिर क्या टच करेगी, इसके लिए काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ चाहिए, जो कि है नहीं अपने पास। अपने पास नेगेटिव न्यूज़ क्या है? नेगेटिव न्यूज़ है यूएस ने, फेड रिजर्व ने इंटरेस्ट रेट कम नहीं किया, वो नेगेटिव न्यूज़ है। कनाडा का जो रिश्ता है हम लोग किससे ख़राब हो गया है, कनाडा के फंड मैनेजर रेगुलर फंड को बेच रहे हैं, ये सारे न्यूज़ हैं जो हमें नेगेटिव जो है कर रहा है। अब आप लाइक शेयर कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको क्या लग रहा है, ये कैंडल क्या ग्रीन कैंडल बनेगा या रेड कैंडल बनेगा, या गिरावट अब हावी होगी, ये सब आप बताएं लाइक शेयर कमेंट करके। फिलहाल देख लेते हैं क्रूड का हाल। क्रूड थोड़ा सा गिरावट हो, इसमें नरमी आई है, जो डेली बढ़ रहा था उसमें थोड़ी सी नरमी आई है। वर्ल्ड मार्केट को समझ लेते हैं।
तो वर्ल्ड मार्केट भी देखिए काफ़ी नेगेटिव है, आपको एक भी ग्रीन नहीं नज़र आएगा। चाहे आप अमेरिका मार्केट देखिए, डॉ जोन्स को 0.31% गिरा है, 33,947 पे बंद हुआ है। S&P को देखिए 0.23% गिरा है, 4,316 पे बंद हुआ है। नैसडेक भी देखिए 13,200 पे बंद हुआ है, 0.9%। तो अमेरिकन मार्केट भी गिर रहा है, कहीं भी आपको ग्रीन कैंडल नहीं मिल रहा है, ग्रीन बार कहीं नहीं मिल रहा है, तो सेंटिमेंट काफ़ी ख़राब है। सिल्वर में थोड़ी सी रिकवरी है और गोल्ड में थोड़ी सी रिकवरी है। तो जाहिर सी बात है, जब मार्केट इक्विटी मार्केट गिरता है तो कमोडिटी बढ़ता है, गोल्ड इसीलिए बढ़ रहा है। लोग इक्विटी मार्केट से पैसा निकाल के गोल्ड में डाल रहे हैं, सिल्वर में डाल रहे हैं, तो इसलिए वहाँ पर तेज़ी थोड़ी सी देखने को मिल रही है। तो कैसा लगा आपको ये एनालिसिस, लाइक शेयर कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।